गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एट योर होम। इन टुडेस मैथ्स क्लास वी लर्न फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट नोट डाउन CW, डेट 8/12/2020 एंड डे इज ट्यूसडे, ओवर योर पेज नंबर 9494। सो let us see how the applications work. We commonly use the concepts of factors and multiples in our daily life. हम अपनी निजी जीवन में इन concepts को use करते हैं, तो आइए देखते हैं। Help Mrs. Mehta to stack 16 strawberries in equal groups through different ways. She is Mrs. Mehta. इनके पास 16 strawberries है और इन्हें उसे different ways में अलग अलग groups में distribute करना है. So let's start. First, यहाँ पे एक hint दी हुई है. Read it carefully. Hint, use the factors of 16. अभी हमें यहाँ पे 16 के फैक्टर्स को यूज करना है, तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? So, the factors of 16 are 1, 2, 8, 4 and 16. So, here we use 1 into 16. Understood? Here, 2 into 8. 2 8s are 16. Then, 8 into 2. 8 2s are 16. And 4 into 4. 4 4s are 16. And 16 into 1. 16 ones are 16. Here are the factors of 16 in different ways. Okay, 1, 2, 8, 4 and 16. Okay, then help Shekhar to paint every fifth marked stone on his path with red color. He is Shekhar. हमें Shekhar की help करनी है. Her fifth stone को red color करने में. Okay. तो fifth, इसमें हम 5 के multiples का use करेंगे. Which means we use here a multiples of 5 or table of 5. 5 twos are 10, then 5 3s are 15, okay, then 5 4s are 20, 5 5s are 25, then 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. Understood? यहाँ पे हमने 5 के multiples का use करके हर 5th stone को color करने में Shekhar की मदद की. Then we will move to exercise 5D Mind Gym. Using the concepts of factors, multiples, HCF. What is the full form of HCF? Highest common factor. And the LCM. What's the full form of LCM? Least common multiple. Solve the given problems. Okay. Find the greatest capacity of a jug, which can measure the given quantity of water in each of the three buckets completely. यहाँ पे आपको 3 बकेट दी गई है.
यहाँ पे 4 लीटर, 6 लीटर एंड 10 लीटर हमें इन बकेट्स की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ जग क्या होगी यह फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए फोर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 × 4 = 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 = 4। सो 4 के फैक्टर्स क्या हुए, 1, 2 एंड 4। ओके देन 6, अब 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 6 = 6। 2 × 3 = 6। ओके तो 6 के फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 2, 3 एंड 6। एंड 10 के फैक्टर्स में हम लिखेंगे 1 × 10 = 10, 2 × 5 = 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या हुए, 1, 2, 5 एंड 10। ओके अब हम इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2। तो बकेट की कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 लीटर। ओके अंडरस्टूड। देन क्वेश्चन नंबर बी, टू पेंट येलो कलर लिस्ट आउट दोज हाउस नंबर इन अ कॉलोनी विच आर डिविजिबल बाय 3। हमें यहाँ पे कॉलोनी को येलो कलर से पेंट करना है जिनके नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 23 इज अ डिविजिबल बाय 2 3, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21, 3 7s are 21, 23 22 no 23 no, 24 yes, so write here 24, 28 no, 27 yes, 26 no, 25 is also no, 29 no, 30 yes, 3 10s are 30, 31 no, 32 also no, 33 yes. Understood? तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर हो गए, 21 24 27 30 and 33। Then we will move to क्वेश्चन नंबर सी, दिस इज अ अलार्म क्लॉक एंड दिस इज इट रिंग्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स स्टार्टिंग एट 5 AM। यह जो घड़ी है यह हर 15 मिनट के बाद अलार्म बजाती है 5 बज के बाद। ओके तो यह सेकेंड वॉच है, इट रिंग्स आफ्टर एवरी 10 मिनट स्टार्टिंग एट 5 AM। अब जो ऊपर वाली घड़ी है वह 5 बजने से लेके हर 15 मिनट के बाद अलार्म बजाती है, और नीचे वाली क्लॉक भी 5 बजने के बाद हर 10 मिनट के बाद अलार्म बजाती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वेन विल दीज टू अलार्म्स रिंग टूगेदर अगेन। तो यह जो वॉच है यह दोनों वॉच कितने बजे एक साथ अलार्म बजाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है 15:15 का गैप, और यहाँ पे हो रहा है 10:10 का गैप, है ना। तो यह घड़ी बजाएगी 5:30 AM,
जब घड़ी में 5:30 AM होंगे तब दोनों घड़ियों का अलार्म एक साथ रिंग करेगा। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड लर्न इट वेरी वेल एंड यूज इट ऑल्सो। ओके, देन वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।